यद्यपि दुर्विज्ञेयोऽयम् आत्मा तथापि उपायन सुविज्ञेय एव इत्याह। यद्यपि आत्मा दुर्विज्ञेय है, इसे कोई संशय नहीं, सूक्ष्मात् सूक्ष्मत्वात्, तथापि जो है उपाय के द्वारा यह आत्मा सुविज्ञेय इत्याह। उपाय के द्वारा यह आत्मा सुविज्ञेय, क्या उपाय है वो बताने जा रहे हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा वृणुते तनु स्वाम। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, यह जो आत्मा है प्रवचन के द्वारा लभ्य नहीं है। प्रवचन का मतलब वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन, एक वेद, दो वेद, तीन वेद, चार वेद है, चतुर्वेदी होते, चारों वेद रख सांग सारा पढ़ लिया, अंगों के सहित भी रटे हुए लोग होते हैं, चाहे जो भी है, इस प्रकार से जिसका जितना उतना वेदादियों का रटा हुआ उसको होते प्रवचन। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रवचितव्या मन्यत्रात तैत्तिरीय उपनिषद में भी, वहाँ स्वाध्याय प्रवचन प्रवचनी हो सकता दोनों एक साथ बोलने से, वहाँ इसे थोड़ा अंतर कर देते अर्थ में, और यहाँ प्रवचन सीधा स्वाध्याय को ही लेंगे। न मेधया, और केवल ग्रंथ रट लिया इतना ही नहीं, ग्रंथार्थ को भी धारण कर लिया, ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की भी शक्ति वाला हो जाए तो भी वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। न बहुना श्रुतेना, आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचार से अतिरिक्त शास्त्रों को भी बहुत सुन लिया उसने। न बहुना, बहुना या पर तात्पर्य वेदांत से भिन्न शास्त्र भी बहुत रट लिया, पढ़ लिया, वेदों को पढ़ लिया है, वेदों के अर्थ को धारण कर लिया, उधर व्याकरण न्याय मीमांसा सांख्य योग है साहित्य वगैरह सारे अन्य ग्रंथों को भी खूब अच्छी तरह से पढ़ लिखना लिया सुन लिया है, उनके द्वारा भी आत्मा लभ्य नहीं है। कि किसके द्वारा फिर आत्मा का लाभ होगा? पहले व्यतिरिक मुख से बता दिया, आत्मा लाभ उस उपाय के द्वारा लभ्य है। क्या उपाय है? मैंने इनको छोड़ कर गया है कहने का मतलब, व्यतिरिक मुख से पहले नायम आत्मा लभ्य प्रवचन में दिया बहुना श्रोते न, फिर अब अनवय मुख से फिर कैसे होगा? यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः, यम एव, यम से दो अर्थ लिया जाएगा, यहां आंदिरी एक अलग अर्थ करेंगे और भाष्य एक अलग अर्थ करेंगे, दो अर्थ परंपरा में स्वीकृत है। यम मने आत्मा को, एष मुमुक्षु साधक, जो मुमुक्षु जो साधक अपनी आत्मा को वर्ण कर लेता है, जो साधक अपनी ही आत्मा को वर्ण कर लेता है तेन लभ्य, उसी के द्वारा लभ्य होता है, उस वर्ण करने वाला उसी के द्वारा उसकी अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। यही होता है, जिसको हमें पाना पड़ता है उसी के पीछे पड़ना पड़ेगा, उसी को वर्ण करना, उसके शरण में जाना पड़ता है। एक बुढ़ा महात्मा बुढ़ा में बुढ़ापा में आ गया, महात्मा बन गया, अब लघु पढ़ना शुरू किया, 68 उम्र में, 68 उम्र में, 68 उम्र में लघु पढ़ना शुरू किया। अब पढ़े रटे रटे याद ही नहीं आ गए, सबरे पढ़े रट लिया दो सूत्र भी तो दोपहर तक गायब हो गया, और शाम को पाठ में जाए पूछे तो कुछ नहीं आया, बड़ा दुखी रोता था, बहुत रोता था। लोग कहते थे हमने कहा ऐसे बोल रहे होंगे, एक दिन अचानक जो है हम उसके कमरे के पास पहुंच गए, ऊपर टीम के कमरे हैं ज्ञानपीठ, उसमें वहाँ बाहर में घूमता रहा तो एकदम मेरे को भी रोने की आवाज़ सुनाई दी, बोले कौन ऐसे रो रहा है भाई? तो इधर से खिड़की के पास जाएंगे तो उसी के कमरे से आवाज़ आ रहा है। फिर हमने दरवाज़ा खटखटाया, रज रहा है, क्या बात है, क्यों रो रहे तो ऐसे ऐसे क्या करें, इतनी रटना हो, इतना परेशान हो गया, लघु का पीछे लघु आती नहीं, पकड़ भी नहीं आ रही, टिकती नहीं।
यानी कि ठीक है रो रहे हो तो रोने से क्या होता है, मिल जाएगा आ जाएगा लोग, भगवान से प्रार्थना करो। कदम वही कर रहे हैं, भगवान से किस भगवान से प्रार्थना करवे, तो कौन सी देवी देवता क्या आ गए, नहीं मैं तो लघु की शरण में, मैं यही लघु के पुस्तक के सामने रोता हूँ, लघु से ही प्रार्थना करते, हे लघु बाबा कब तो अंदर आएगा, कब तो सेटल होएगा अंदर, मैं लघु से ही प्रार्थना करता हूँ, लघु ही मेरे लिए भगवान है, लघु ही देवता है, लघु मेरे लिए सब कुछ है, आज लघु ही मेरा प्राण है, उसी लघु के सामने मैं रोता हूँ तो कैसे अंदर आएगा, कैसे अंदर बैठेगा। तब मैंने इसका इसका मतलब निश्चित रूप से वो छह मेरे के अंदर लघु आ जाएगा, चिंता मत करो, कि जिसने अपने प्राणों से पढ़कर लघु को समझ रहा है और लघु के शरण में है, लघु को ही वर्ण कर लिया, उसको लघु नहीं आएगा ये हो नहीं सकता, जरूर आएगा तेरे को। और आज वो आचार्य है 15-15, 20-20 विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, सोच लो 10 साल के अंदर उसने सारा पढ़ लिया, लघु गया, सात दर्शन पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, पढ़ा रहा है, 78 उम्र का बुढ़ा, अभी 10 साल हो गया और फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा है। तो ऐसे होते हैं, जिसको हम चाह रहे उसको वर्ण करना पड़ेगा, उसको वर्ण करेंगे तो वो हमारा अपना हृदयंगम तो हो ही जाएगा, अलग कैसे रह सकता है वो, जब हमने उसे वर्ण कर लिया वो हमसे अभिन्न हो जाएगा। यही तो होता है, एक लड़की एक लड़के को वर्ण कर लेती है तो वर्ण कर लेने का मतलब क्या, वो उसे अभिन्न, अर्धांगिनी बोलते हैं, वो अर्धांग होगा, व्यवहार है संसार में, जिसको वर्ण करते उसे अभेद हो जाता है। इधर से यदि मैं आत्मा का ही वर्ण कर लूं फिर आत्मा मुझसे अलग कैसे हो सकता है, अज्ञान वशात जो लग रहा है मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ये शरीर में हूं, ये भ्रांति है ना, इस समय यह भ्रांति हो रखी है कि शरीर में ही हूं, आत्मा मेरे से अलग है, जो शरीर से अलग उचाता आता है कहीं से, परमात्मा कंट्रोल में है। अभी भी उस आत्मा का ही वर्णन करूं तो मेरे से अलग कहां रह जाए, वो मेरे से अभिन्न हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। इसे कहते जो उसको वर्णन करता है, यम आत्मानम स्वात्मानम एष मुमुक्षु साधको वा वृणुते तेन मुमुक्षुणा साधकेन लभ्यो अयम आत्मा। क्यों? क्योंकि तस्य प्रति, उस साधक के प्रति एष आत्मा, जो आत्मा क्या करेगा, स्वाम तनु विवृणुते, अपने स्वरूप को खोल के प्रकट कर देता है, अपने आप खोल के प्रकट कर देता है। इसी को थोड़ा सांख्यिक कार्य का अलग ढंग से बता दिया ना, आत्मा के सामने प्रकृति अपने आप को उपभोग के लिए प्रदान कर देती है, दृष्टांत वही दिया, जैसे पत्नी लड़की लड़के को वर्ण कर लिया, शादी हो गई, उसके बाद अपने आप को छिपा दी थोड़ी है, पर पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाती है, जैसे प्रकृति उस पुरुष को समर्पित हो जाता है। इसे यदि हम आत्मा को वर्ण करें, आत्मा हमारे सामने कैसे छिपका रहेगा, वो हमारे सामने खुल जाएगा। इसे कहते हैं तो स्वाम तनु एष आत्मा विवृणते, ये आत्मा अपने आप खोल देता है, अपने स्वरूप को दिखा देता है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है, एषा यमेव एषा, एषा माने आचार्य आनंदगिरी, एष प्रकरणी परमात्मा अंतर्यामी रूपेण आचार्य रूपेण व्यवस्थितो, लिया आनंदगिरी मिनी छे, आत्मा तु एष प्रकरणी, एष शब्द से क्या लेना, जो प्रकरण का चर्चा का विषय होता आत्मा, कौन है वो भी आत्मा से परमात्मा ही ब्रह्म, वह ब्रह्म ये आचार्य कैसे हो गया, अंतर्यामी रूपेण, अब आचार्य रूपेण वा, या तो अंतर्यामी रूपेण सभी के हृदय में है ना, हृदय अर्जुन तिष्ठति, अंतर्यामी रूपेण सभी में है, अथवा आचार्य रूपेण वा व्यवस्थितो, अथवा आचार्य के रूप से व्यवस्थित सामने बैठे हुए हैं, वे आचार रूपेण विद्यमान परमात्मा या अंतर्यामी रूपेण हृदय में विद्यमान जो परमात्मा, एम यम एव माने मुमुक्षुं वृणुते, जिस मुमुक्षु को वर्ण कर लेते हैं, भजते माने अनुगृह्णादि, भजन आचार्य शिष्य का वर्ण करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आचार्य शिष्य के प्रति अनुग्रह कर देते, कृपा कर देते हैं, तेनैव परमेश्वरानुगृहीतेन
तब उस परमेश्वर के द्वारा आचार रूपेण विद्यमान परमेश्वर अनुग्रहित होने पर अभेदानुसंधान वता शिष्येण साधकेन मोक्षुणा, अभेद का अनुसंधान करता हुआ जो साधक है शिष्य है उसके द्वारा लभ्यते इत्यर्थः उसी के द्वारा लाभ होता है, नहीं तो नहीं होता। तब वह शिष्य को अनुभव हो जाएगा। जो आचार्य स्वयं कैसे हैं, अभेद अनुसंधान कर रहे हैं, जीव ब्रह्म अभेद का अनुसंधान करता हुआ विद्यमान जो आचार्य के द्वारा जब शिष्य को पर कृपा कर दिया जाता है तो वह शिष्य को भी वह अभेद अनुभव हो जाएगा। ये दूसरा अर्थ है। यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः तस्य तारस शिष्य के प्रति एष आत्मा या परमात्मा जो आचार्य रूपेण है उनका अपना निरुपाधिक स्वरूप तनुम स्वाम तनुम अंक निज स्वरूप क्या है, निरुपाधिक स्वरूप आचार्य का निज स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप है, वह निरुपाधिक स्वरूप विवरण होते और मोक्ष के सामने प्रकट हो जाता है, ऐसा दूसरा भी अर्थ है। नायम आत्मा भाष्यम, नायम आत्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्य, प्रवचन का मतलब अनेक वेदों को रट लेने से, स्वीकार करने का मतलब क्या रट लेना, उससे लभ्य नहीं है, लभ्य मेरे ज्ञे ही नहीं। सारा वेद रट लो तो वेदों से तुम वो आत्मा का पकड़ में नहीं आएगा। नापि मेधया, रटने से नहीं आएगा, मैं उसका अर्थ समझूंगा तो वेद का ही तो हिस्सा उपनिषद है तो उपनिषदों के अर्थ भी मेरे को आ जाएगा तो मेरे को आत्मा मिल जाएगा, कहते नहीं। ग्रंथार्थ धारण शक्तिया, मेधे मने ग्रंथार्थ धारण शक्तिया भी न आत्मा लभ्य, ऐसा अनुभव ग्रंथ के अर्थों को दिमाग में धारण कर लिया और दुनिया के सामने विद्वत्ता को झाड़ सकते हो लेकिन जो है उससे तुम आत्मा का लाभ होने वाला नहीं है। एक से एक प्रकांड विद्वान है, शास्त्रार्थ महारथी टाइटल वाले लोग हैं, शास्त्रार्थ महारथी अपने आप के लिखते हैं, शास्त्रार्थ महारथंड ये सब टाइटल है लोगों के। हम लोगों के वहां और भी शब्द आस्थान विद्वान है, ये क्या कहते हैं आस्थान विद्वान, आस्थान मने विद्वत सभा, बड़ी विद्वत सभा में जीता हुआ आदमी ऐसे विद्वान है। पहले जमाने में राजा लोग अपने सभा में उनकी राजाओं की जो सभा होती थी उसको आस्थान बोलते हैं, नासमंता आए हुए हैं विद्वान वगैरह ऐसा स्थान विशेष और इसका नाम आस्थान बोलते हैं। आस्थान में सम्मान प्राप्त किया विद्वान है वो, इसलिए आस्थान विद्वान। अभी भी श्रृंगेरी के शंकराचार्य प्रतिवर्ष अलग अलग विषयों का शास्त्र सभा बुलाते हैं, बड़ी हॉल बहुत लंबा चौड़ा हॉल है, शंकराचार्य मध्यस्थान में बैठते सभापति और यहाँ से उत्तर से दक्षिण से सब जगह से पंडित लोग अलग अलग विषय के बुलाया जाता है, टॉपिक देते व्याकरण अमुक सूत्र पर इसका अमुक विषय पर इसका अमुक विषय पर शास्त्र। अभी भी लेकिन अब जो नाटकबाजी केवल है, पक्ष पक्ष दोनों बोल देते हैं, कोई निर्णय निर्णय कुछ मतलब तो है नहीं, इसने अपना बोल दिया उसने अपना बोल दिया, दोनों का शॉल उड़ा के दक्षिणा पानी दे कर छुट्टी पर, पहले जैसे थोड़ी शास्त्र। लेकिन कहने के लिए परंपरा अभी भी बनाए रखे हुए हैं और जब बढ़िया जब ढाड़ के बोलता है ढंग से तो उसको थोड़ा विशेषण भी दे देते हैं, हाँ तुम शास्त्रार्थ महारथी हो, शास्त्रार्थ मारतंड हो, शास्त्रार्थ मयूख है, ये कुछ न कुछ टाइटल दे देते। पुरस्कार तो सबको अलग ढंग के शॉल होते कि इतना होता है 4 इंच चौड़ा वाला पट्टी वाला, 2 इंच चौड़ा पट्टी वाला, 1 इंच चौड़ा पट्टी वाला होता है, अलग अलग है भी ड्रामाबाजी, वो 5,000, 2,000, 1,000 सब दक्षिणा अलग अलग सब हिसाब किताब चलता है। तो ऐसे तुम हो सकते हो, ग्रंथ के अर्थों को धारण किया है तो धड़ाधड़ बोल सकते हैं, आदमी उपस्थित है सब, अगला कोई पूछे थोड़ा सब जवाब दे सकते हो, उपस्थित है सारी चीजें, लेकिन उतने मात्र से उसका अहंकार ही होगा, आपको उसे आत्मा का लाभ नहीं होगा। न बहुना श्रुते न केवल है ना, भाष्यकार इसका अर्थ नहीं करते तो अंत की तरफ व्याख्या करते हैं, बहुना श्रुते न करते क्या आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचार अतृप्त शास्त्र श्रवणे न लभ्य, उपनिषद विचारेणापि केवलेन लभ्य, दोनों अर्थ से केवलेन का दिया ना, इसीलिए माने आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचार से अतृप्त शास्त्रों का श्रवण करने से भी लाभ नहीं होता, और केवलेन का मतलब उपनिषद के विचार मात्र से भी प्राप्त नहीं होता, सिद्धोपदेश रहितेन न लभ्यते इत्यर्थः। कहने का मतलब जो व्यक्ति सिद्ध है
स्वयं जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभूति किया हुआ सिद्ध आचार्य के उपदेश के बिना ये लभ्य नहीं है। चाहे हजारों प्रश्न सुन लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, फायदा नहीं होता। सिर्फ अनन्य लभ्यो गतिरत्र नास्ति नावरेण प्रोक्ता इतने शब्दों से पहले बोल चुके हैं। ये सब को रख करके मन में अंधिकार इसको अर्थ कर रहे इस तरह से। इसलिए आगे देखते परमेश्वर आचार्य अनुग्रहण तो लभ्यते इत्याह। कहने का मतलब परमेश्वर और आचार्य दोनों के अनुग्रह से ही लाभ होता है, इसका बिना उसका लाभ नहीं होता। इसलिए पहले जमाने में गुरु के नाम पे काम देते थे, गुरु जी आ रहे हैं देख के डरते थे, अरे आ रहे पता नहीं क्या देख लेंगे क्या कर लेंगे, नाराज ना हो जाए, ये अनुग्रह नहीं मिलेगा, ये डर रहता था कि कृपा नहीं मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आजकल तो किसी को डरे नहीं है, हाँ डर रहता है, उल्टा गुरु को डांट देंगे, आचार्य को भी बोल देंगे उल्टा। जब माने कलयुग का प्रभाव है, उद्दालक नाम कैसे पड़ा उसका, ऋषि का। खेती में जो है आचार्य ने कहा जाओ बेटा पानी बढ़ गया है, अब लगता है खेती के सब वो मेढ टूट गए होंगे, मेड लगा के आ जा, भेज दिया मेड लगाते लगा, सब मेडों को लगाया, एक जगह ऐसा पानी का फोर्स था मेड रुक ही नहीं रहा, स्वयं लेट गया, स्वयं लेट गया उधर मिट्टी के साथ में, मिट्टी को रोकने के लिए। और ठंडी के दिन रहे होंगे, गेहूं का होगा फसल, और सवेरे तक सवेरे गुरु जी उठे तो सब विद्यार्थी आए तो देखते वो है नहीं, अरे वो लड़का कहाँ गया, अभी तक आया नहीं खेती से, जाओ देखो, देखे तो उन्होंने बताया महाराज तो वहीं लेटा पड़ा है, लकड़ी सा हो गया वो, तो लकड़ी हो गया, ठंड के मारे पानी कड़क हो गया पूरा शरीर। फिर वो तो उठा के बाए तो आग के सामने सेका, किसी तरह से जो है वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ, ऋषि का सामर्थ्य भी था समझो, इसे जिंदा कर दिया, उसका नाम ही होगा उद्दाल, लकड़ी के समान कड़क लेटने वाला, उसका से नाम आजकल कोई जानते नहीं, परिषदों में उसका नाम उद्दालक ही आता है। इसलिए गुरु गारुणी है, हाँ अरुणी, गारुण गोत्र नाम कौन जानता है, अरुण गोत्र उत्पन्न है, अरुणवंशी है, अरुण से पत्यम अरुणी उद्दालक है। तो इसलिए वैसे क्यों होता था ऐसे कि गुरु की कृपा प्राप्त करना है। अब वही दूसरे का आता है कि उसने भोजन पानी छोड़ दिया, जब गुरु ने अंतिम उपदेश दिया ना चले गए, तो 12 साल तक गुरु की सेवा में गुरु की जो श्रौत अग्नि है आवनीय गारपति दाक्षिणाग्नि को संभालता रहा अग्नि कुंड में, 12 साल तक अग्नि को संभाला, सेवा किया, फिर भी उसको अंतिम उपदेश दिए बिना गुरु चले जाते, बाकी सबको कर दिया सर्टिफिकेट दे दिया डिग्री पास करके सबको भेज दिया कर, लेकिन उसको नहीं दिया। अब उसने भोजन पानी छोड़ के बैठ गया, मर जाऊंगा लेकिन अब, इसलिए गुरु समझ रहे हैं अभी मैं अंत्य उपदेश के लायक नहीं, तभी तो मेरे को नहीं दिया, कितना मेरे अंतकरण में मल होगा तो मैं अंत्य उपदेश के लायक नहीं हूं। ये भाव मन में आया, उसने कहा सब छोड़ दो, मर जाए तो ठीक है लेकिन खाना पीना नहीं करूंगा जब तक गुरु के उपदेश नहीं देंगे। तो अग्नि देवताओं को दया आई और अग्नि देवताओं ने उसको सर्वप्रम उपदेश दे दिया। तब जब आचार्य लौटे तब देखा वो कहा रे किसने तुमको उपदेश दिया, तेरे चेहरा देख लगता ब्रह्म ज्ञानी जैसे चमक रहा है, तो वो कहता है और कौन देगा ये अग्नि देवता लोग, अब तो आपको देखकर डर रह गए, अभी शाप न दे दें आप। अरे कोई बात है, क्या उन्होंने उपदेश दिया, तो बता दिया ये उपदेश अमुक अमुक नहीं दिया है, तीनों अग्नियों ने मिलकर के पर अलग अलग ने, तो उन्हें यार तुमको ब्रह्म को उपदेश दिया, अभी गति का तो उपदेश ही नहीं दिया तुमको, मैं तुमको गति को उपदेश देता हूँ, फिर अंत्य उपदेश देकर उसको उद्धार हो गया। ऐसे एक ने अनेकों कहानी, इसे जान के आंदिरकार बार बार अर्थ लिख रहे हैं परमेश्वर आचार्य अनुग्रहण तो लभ्यते इत्याह। स्वात्मेव साध श्रम निधि वृणुते सम भजते केन तरलभ्य, फिर किसके द्वारा लाभ होगा, इत्युच्यते यमेव, यमेव माने पहला अर्थ ले रहे स्वात्मानम एष साधको, एष का क्या लेंगे साधक मुमुक्षु,
पर्यम से आत्मा, अप्रिय आत्मा स्वम आत्मा स्वात्मान एष साधको विरुते प्रार्थयते, अपनी आत्मा से प्रार्थना कर दे हे आत्मा, तो कब प्रकट हो जाएगा, कब तेरे ऊपर जो पड़ा हुआ आवरण के समान आवरण, ये जो अज्ञान कब हटेगा। जैसे ठंडी के दिनों में क्या होता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, लगातार दो तीन दिन बादल छाया हुआ रहे, सूर्य न दिखे तो हे सूर्य भगवान कब बादल दूर होएगा, कब आपका दर्शन होएगा, सारे दुनिया दुखी रहती है। प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान जल्दी प्रकट हो जाओ, कब बादल हट जाए, ऐसा ताप दो कि बादल भाग जाए और प्रकट हो जाओ। सारी दुनिया दुखी है तब बादल को फाड़ देता है, चीर देता है, भगा देता है, कुछ भी कर देता है, भगवान सूर्य और सबको दर्शन देता है, तब सब तापते तुरंत सूर्य के सामने बैठ, कमरों से बाहर नहीं, सब देखने की धूप में सेक रहे हैं। न वैसे ही है, जब ये आत्मा का वर्णन करोगे, आत्मा भी अपने आप को प्रकट कर देता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। तेनैव आत्मना वरित्रा, उसी वर्ण करने वाला साधक मुमुक्षु के द्वारा, वरित्रा माने वर्ण करने वाला, वरित्री शब्द का तृतीय एक वचन वरित्रा, जब पित्री का पित्रा, धात्री का धात्रा, वरित्री का वरित्रा, वर्ण करने वाला वह जो साधक को मुक्षु के द्वारा स्वयं आत्मलभ्य, स्वयं ही यह आत्मलभ्य होता है, जायते इत्यतः उसी को यह अनुभव अनुभव में आ जाए, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, इसका अर्थ है। एवं निष्कामस्य आत्मानम् एव प्राप्तः, इसलिए कहने का मतलब यह है जो निष्काम पुरुष है वो क्या करेगा, वो अपने आत्मा से, उसके लिए परमात्मा कहाँ है, कोई देवता क्या है। जब कोई कामना आपके अंदर है तभी आपको क्या करना पड़ता है, कोई देवी देवता को पकड़ना पड़ता है, जो उस कामना के संबंधी है उसे पकड़ना पड़ता है। विद्या की कामना है तो सरस्वती को पकड़नी पड़ेगी, लक्ष्मी की कामना है तो लक्ष्मी को पकड़ना पड़ेगा, पैसे की कामना है ना तो लक्ष्मी देवती को पकड़ना पड़ेगा या कुबेर को पकड़ना पड़ेगा। और जो भी काम कर रहे हैं, हर विभाग में विघ्न आ रहा है तो क्या करें, विघ्न निवारण की कामना है तो विघ्न विनायक पकड़ो, गणेश जी को पकड़ना पड़ता है, हे महाराज सोंड को मत खिला ज्यादा, शांत रखो अपने सोंड को, गड़बड़ मत करो ज्यादा। तो जैसी कामना वैसी देवता को पकड़ना पड़ता है, ऐसी कामना ही नहीं है तो हमें किसी देवी देवता के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसके चक्कर में जाना है, अपनी आत्मा। इसे निष्काम से आत्मानमेव प्रार्थयते, आत्मनैव आत्मलभ्यतेर्थः, खाने का मतलब अपने से अपने का ही लाभ होना है, दूसरों से अपने को लाभ कुछ नहीं होने है। आत्मना आत्मा लभ्यः, अपने से अपने आप को लाभ कर लेना है, यही तो होता है ना। जो आदमी को भ्रांति हो रखी है उस भ्रांति को खुद को निवारण करना पड़ेगा, मदद दूसरा कर सकता है लेकिन दूसरा भ्रांति को मिटा नहीं सकता। दशमस्तोमसी दूसरा आपको बता सकता है, बताने के बाद युक्ति से समझा दिया, व्यवहार से करा दिया, गणना करके बता दिया, खुद की ओर अंगुली करके निर्देश करके सिखा दिया, फिर भी यदि कहो नहीं मैं नहीं हूँ दसवां, तो क्या करेगा आदमी, चलो भाई गधे को क्या करना, छोड़ देगा, समझाएगा नहीं। इसीलिए निर्भर होता है ना अपने ऊपर, अपने आप को, अगला समझाने वाला समझा रहा है लेकिन हम कहाँ तक उसको स्वीकार करते हैं अपने में, उस पर निर्भर है। नहीं तो आचार्य क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एक बार ऐसे भगत बार बार बोलता था, महाराज बंधन से कैसे छूटूंगा, बंधन से कैसे छूटूंगा, हम उसको अनेक प्रकार समझाए तो भी वो समझता ही नहीं था। हमें क्या करें, इसको कैसे समझाया जाए, युक्ति कुछ ढूंढू। फिर हमने एक युक्ति ढूंढ लिया, हम लोग बाराबंकी में थे, वहाँ दिन में भी मच्छरदानी में बैठना पड़ता था, इतने मक्खी, खेती और गौशाला वगैरह सब था। तो हमने कहा ये तरीका बढ़िया है, अब दिमाग में आ गई एक दिन, तो हमने वो बिस्तरों के नीचे मच्छरदानी को घुसा के अंदर बैठा हुआ था। अब वो आया प्रणाम करने के लिए, वो आता तो पैर जबर से पकड़ता था, और पैर पहले मैंने कहा चुप, मच्छरदानी को अलांगना नहीं, मैंने आपका पैर कैसे पकड़ूंगा, मैं नहीं जानता, तब बाहर आ जाओ। मैंने भाई बाहर क्यों आऊँ, मैं क्यों बाहर आऊँ, तुम आ जाओ अंदर, बिना उठाए आना पड़ेगा, तो कैसे आएगा, बड़ा परेशान हो गया वो। मैंने सोच तेरे सारे प्रश्नों का जवाब ही, अब मच्छरदानी के अंदर कौन बैठा है, मैं बैठा, किसने मेरे को बिठाया है, क्या स्वयं ही फंसाऊ ना, इस मच्छरदानी में फंसाऊ तो मैं ही फंसाऊ, मैं जिस दिन चाहूंगा
जिस समय चाहूंगा, जिस क्षण चाहूंगा, उस क्षण में बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकता। हाँ आ सकते हैं, फिर सोच लो क्या कहना चाह रहा हूँ। तब उसके दिमाग में मैंने कि जो पत्नी बाल बच्चा जो तुम कह रहा है ये सब जाल किसने बिछाया? इस मच्छर जाल को तुमने खुद बिछा लिया ना अपने ऊपर। ऐसे बाहर आना चाहता है तो मेरे को कहते छुड़ाओ, मैं क्यों छुड़ाऊ तेरे को? तुम जैसे मेरे को बाहर निकाल सकते हो क्या? अभी खुद तुम छोड़ना चाहोगे जिस दिन क्षण, उस दिन छोड़ सकते हो। खुद छोड़ना नहीं चाहते हो और दुनिया और साधुओं के पीछे घूमते रहते, महारा संसार से कैसे मुक्ति मिलेगी? तमाशा बना रखा है तो। तब से वो आज तक पूछता है, अभी भी आता जाता है, कभी नहीं उसके कोई साधु से पूछता नहीं संसार से कैसे मुक्ति होगा। तो खुद छोड़ना नहीं चाहता है, चिपका हुआ है संसार का पीछे, संसार तेरे को पकड़ रखा है क्या? हाँ दुनिया पर महात्माओं के जाके बार 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 पूछ के दिमाग खराब करने से क्या फायदा है? खुद विवेक करो, खुद के द्वारा खुद छूटना है इस संसार का और स्वरूप की अनुभूति होना है। दूसरे उसके सौ तरीके हैं, ये शास्त्र वो उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को अपनाओ और युक्ति से अपना आप को अलग कर लो। ये आत्म नहीं वह आत्मा लभ्यते कथम लभ्यते, वो कैसे लाभ होगा आत्मनात्मा? तब कहते तस्य आत्मकामस्य, तसे मने वो जो आत्मा की कामना करने वाले जो साधक के मोक्ष है उसके प्रति एष आत्मा विनुते प्रकाश यदि पारमार्थिकीं तनुं स्वां स्वकीयां स्वयाथात्म्यम् इत्यर्थः। अपनी जो पारमार्थिक शरीर है, स्वरूप है, अपनी जो यथार्थ रूप है उसको वो प्रकाशित कर देता है, ये उसका तात्पर्य है उस मोक्ष के सामने। स्वात्मेव साधक श्रवण मनन आदि भी विवृणते, स्वात्मा को ही साधक क्या करता है? श्रवण मनन आदि के द्वारा वर्ण कर लेता है, संभजते श्रवणादि काले भी सोहमिति अभेदे नहीं अनुसंधत्ते। कहने मतलब उपनिषद आदि में श्रवण कर रहा है उस समय भी ये नहीं सोचता वो आचार्य अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, भेद बुद्धि नहीं रखता। ये भेद बुद्धि भी यदि विद्यार्थी जीवन में श्रवण काल में रहेगा तो भी वो बाद में कैसे पचेगा? मनन काल में वही कंटिन्यू होएगा ना, फिर वही आगे बढ़ेगा। और जब तक भेद बुद्धि रहेगी राग द्वेष होएगा, राग द्वेष होएगा सारा काम खराब है, क्या फायदा है पढ़ने का? इसलिए श्रवण काले अपी सोहम इत्याभेदे नैव अनुसंधत्ते, वही मैं ब्रह्म हूं ऐसे श्रवण काल में भी अनुसंधान करना है, ये तो मुश्किल होता है। गृहस्थी को अरे आप तो महात्मा है इसलिए आप तो हम ब्रह्म सोच सकते हो, हम तो गृहस्थी है। अरे तू का फिर वेदांत सुन रहा बेकार का है? वेदांत सुन रहा है तो तू भी सोचो ना, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं हम ब्रह्म। क्या सन्यासी के ठीक है क्या हम ब्रह्म सोचने का? जब वेदांत सुन रहे हो तुम तब भी सोचो मैं हम ब्रह्म, फिर आप तो ब्रह्म हो कहा देता। अरे तुम क्या हो फिर, गधा हो? तुम भी तो ब्रह्म हो, दूसरे क्यों कहता है आप ब्रह्म है जब सभी ब्रह्म ही है? आप हैं इसका तो मैं नहीं हूं, ये कहने का मतलब आपका ही अर्थ होगा। इसलिए आदमी को संभव सो समझ के संभल के बोलना चाहिए, एक तरह से चढ़ाने वाली बात बन जाती है। अरे आप तो ब्रह्म है का मतलब चढ़ा रहा है, तुम तो ब्रह्म हो, चढ़ाने के लिए बोलना हो गया ना। या तो चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं या अपने आप को गधा साबित कर रहा है। आप तो ब्रह्म है, मैं तो अब्रह्म मूर्ख हूं, जड़ हूं, अचेतन हूं, ये कहना चाह रहे हो? दो में एक ही बात है, और ज्यादातर चढ़ाने के लिए ही होता है, कटाक्ष के लिए होता है। इसलिए ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी पड़ती है, उपेक्षा कर गृहस्थी ऐसे ही है, दिमाग खराब है इसकी, खुद तो भ्रष्ट है दूसरों को भी ऐसे सोच। इसीलिए कहते हैं कि श्रवण काल में भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो श्रवण कर रहा है वेदांत तो क्या चिंतन करना है चाहिए? सो हम ब्रह्म ऐसा ही वेद के द्वारा अनुसंधान करनी चाहिए। तेरे और लक्षण या परमात्म अनुग्रह ये नहीं वो मैंने लक्षण के द्वारा स्थापित होता है परमात्मा के अनुग्रह के द्वारा, उस आचार्य के अनुग्रह के द्वारा वरित्र अवेदानुसंधान होता
वृत्रकोण वर्णन करने वाले भी कैसा है? अभेदान अनुसंधान कर रहा है। आचार्य कैसा है? वो भी अभेदान अनुसंधान कर रहा है। सभी ईश्वर चिंतन करने वाले होने से उन आचार्य शिष्य सभी को यथानुसंधानम आत्मतैव परमात्मा लभ्य भवति, जैसा अनुसंधान कर रहा हो उसी अनुरूप उसको क्या होगा? लाभ होगा ना वस्तु का, आत्मा का ही लाभ होगा, अन्य का कैसे लाभ हो सकता है? अतः दूसरा अर्थ विपरीत योजना से दूसरा अर्थ ये शब्द आचार्य अंतरे परमात्मा, यम का मतलब मुमुक्षु अर्थ बदल जाता है, इस प्रकार समझना चाहिए। किंचान्यत इतना ही नहीं, क्योंकि अनेकों चीजों से उपायों को अपनाने से काम चलता नहीं है, अनेकों से बचना भी जरूरी होता है, तभी यह ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वेदांत श्रवण से, यह ब्रह्म ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति तभी होगी जब ये खराब चीजें हमारे अंदर ना हो। ये जो खराब चीजें हमारे अंदर छिपे पड़े हैं, छुपे हुए हैं, ये जो छुपे हुए बैठे हुए हैं, ये जब तक नहीं निकलेंगे, बाहर से जितना भी खोपड़ी में तुम ब्रह्म ज्ञान डालते रहो कोई फायदा नहीं है। ये जो कूड़े का ढेर परसेंट को छिड़कने के बराबर क्या फायदा होगा? है उसमें सेप्टिक टैंक में बैठ रहा है, टट्टी है पूरा, अब उसमें सेंट डाल रहा है, अरे कहा कितनी सेंट डालोगे सेप्टिक टैंक में तो भी सुगंध निकलेगा वहां से? चिंद्रन डालोगे, एक क्विंटल डाल लो तो भी सेप्टिक टैंक को कोई सुगंधित नहीं कर सकता। उस तरह से तुम्हारे अंदर अनंत जन्मों की कूड़ा भरा पड़ा है गंदगी, इस गंदगी की वासना को जब तक नहीं काट के निकाल सकोगे तब तक ये ब्रह्म ज्ञान रूपा सुगंध जो है सेंट, ये भी कोई काम का नहीं। इसलिए यदि आप सुगंध लाने चाहते पहले क्या करना पड़ता है? पहले सेप्टिक टैंक को खाली कर दो, सारा मलबा निकाल के बाहर फेंक, फैला दो बाहर, वो देर सूख जाएगा, सुगंध उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगी। इधर वो टैंक पूरा धो साफ कर, अब उसमें सेंट डालो तो सुगंध आएगा कि नहीं आएगा उस टैंकी में भी? तब उस गंदा जो टैंकी था, मल वाला जो टैंकी था, उस टैंकी में भी सुगंध हो जाएगा। हमें भी इसी तरह से ये अंतकरण रूपी जो सेप्टिक टैंक है, इसमें जो मल है, क्या क्या मल रहता है आपको मालूम नहीं है, आपके कितनी प्रकार के मल हैं उनको गिन के सुना रहे। इन मल की वासना को तुम काट दो, अपने आप आत्मज्ञान लाभ देता है आत्मा का। न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांत मानसो वापी प्रज्ञानेनैनम् आप्नुयात्, प्रज्ञानेनैनम् आप्नुयात्, प्रज्ञानेन एनम् आप्नुयात्। न प्रयत् न को सबके साथ जोड़ना है, प्रज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, जो वेदांत पढ़ रहे हो, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, दर्शन प्रस्थान, शव प्रस्थान त्रय का जो ज्ञान है, अर्थ सहित श्रवण मनन वाला वह ज्ञान निध्यासन के माध्यम से अनुभव में आना है तो ये सब छोड़ने पड़ेंगे। ये सब है तो नहीं हो सकता। दुश्चरिता अविरतो, दुश्चरित से जो अविरत है वह व्यक्ति को प्रज्ञान एनम न अप्रयात, ऐसा न भाई। इसी प्रकार अशांत चेत प्रज्ञान एनम न अप्रयात, असमाहित चेत प्रज्ञान एनम न अप्रयात, अशांत मानसो भी चेत प्रज्ञान एनम न अप्रयात, ऐसा सब जगह में करना है। जो व्यक्ति श्रुति स्मृति में कहा को छोड़ करके श्रुति स्मृति के अविहित कर्म और श्रुति स्मृतियों में जो निषिद्ध कर्म है उनके आचरण से हटता नहीं है, उनका आचरण का नाम दुश्चरित है। दुश्चरित किसका नाम है? श्रुति स्मृति में जो अविहित और श्रुति स्मृतियों में जो निषिद्ध का आचरण का नाम दुश्चरित्र। उस दुश्चरित्र से जो विराम को प्राप्त नहीं किया अविरत, उस दुश्चरित्र से जो व्यक्ति विश्राम को प्राप्त नहीं किया है वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान भले पालेगा तो उसको आत्मा का लाभ नहीं हो सकता। न अशांत, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, इंद्रियां खाना पीना चाह रही है, भोग में लगना चाहती है, खूब सुनना चाहती है, टीवी देखना चाहती है, अंग नहीं है ना, सीरियल देखना चाहते हैं, न्यूज सुनना चाहते हैं,
पता नहीं क्या क्या लफड़ेदारी दुनियादारी में लगे रहती इंद्रियां। इंद्रियां जब तक इन सांसारिक विषयों के पीछे भागती हैं और शांत और आत्मचिंतन नहीं करना चाहती है, ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रिय इस प्रकार के हो, वह ब्रह्म ज्ञान भले रट ले, अर्थ भी समझ ले, बढ़िया प्रवचन दे लाखों को, तो भी उसको आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता। न अशांत न असमाहित, इसी प्रकार से जो असमाहित है मैंने एकाग्र मन वाला नहीं है, ये भी मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त भूमिया है ना, चित्त की पांच भूमि बताएगी योग सूत्र के शुरू में ही, वहां बता दे मूढ़ क्षिप्त, ये दोनों तो आते अनधिकारी बिल्कुल बेकार लोग हैं। मूढ़ तो जड़वध है, पशुवध हो गया, क्षिप्त महाभोगी है, विक्षिप्त है जो बीच वाला, वो साधना करता है, और एकाग्र उस साधना का थोड़ा परिपक्व अवस्था का नाम एकाग्र, और निरुद्ध अवस्था लक्ष्य है ना, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा निरुद्ध हो जाए। तो इसलिए एकाग्र मन वाले का नाम समाहित, जो एकाग्र मन वाला नहीं है, जो विक्षिप्त चित्त वाला है, वह व्यक्ति को भी ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो भी उस ब्रह्म ज्ञान का व्यापारी करेगा, वो उस ब्रह्म ज्ञान को आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। एनम आत्मानम न अप्रुयात। और अंत में कहते हैं अशांत मनसो मानसो, अशांत मानस जिसका मन शांत नहीं है, कुछ न कुछ धंधे बाजी में लगा हुआ है, खटपट करने में लगा हुआ है। एक बार एक ब्रह्मचारी था, पता चला कि भाई प्रचार हो गया, महाराज जी बड़े महाराज को आ रहे हैं, वो सन्यास दीक्षा देने वाले हैं, तो लोगों ने अफवाह उड़ा दे, शायद ब्रह्मचारी जी भी सन्यास ले रहे हैं। भैया वो आ रहे थे केवल ऐसे ही दूसरों को देने के लिए, अब लेकिन बात उठ गई शायद ब्रह्मचारी जी भी ले, तो महात्मा लोग आए, अन्य महात्मा लोग बड़े बड़े, भई आप सुना है कि ब्रह्मचारी महोदय आप सन्यास ले रहे हैं, बड़ा खुशी की बात है, तो इसीलिए हम आपको वस्त्र वगैरह दे रहे हैं। मैंने तो किसने कहा आपको मैं ले रहा हूँ, मैं तो महाराज जी के लिए बुलाया हूँ, वो दूसरों को देने के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। भाई क्यों नहीं लोगे भाई सन्यास, अरे जब तक खटपट करते रहना है तब तक मुझे सन्यास नहीं लेना, ये उस ब्रह्मचारी का कहना था। अब बताओ इसका मतलब, हमने कहा जनऊ और चोटी एक लाइसेंस से खटपट कर नहीं था, खटपट करने के लिए लाइसेंस है क्या ये? मैंने कहा जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ये सोच रहा है खटपट जब तक तो मुझे करना है तब तक तो सन्यास नहीं लेना है, वह व्यक्ति उसके बाद सन्यास जब लेगा तो खटपट उसका रुकेगा? कभी नहीं रुक सकता, या तो व्यक्ति जिंदगी भर को सन्यास ले नहीं पाएगा, ये जन पूरा खटपट में चला जाएगा। इसलिए अशांत मन से व्यापृत चित्त, व्यापार में लगे व्यापृत चित्त, मैंने चित्त व्यवहार में लगा हुआ है, जो व्यवहार में जिसका चित्त लगा हुआ है वह व्यक्ति बड़े ब्रह्म ज्ञान वाला हो, मीठा मीठा वेदांत सुनाता हो, बढ़िया मृदु वाणी है, बढ़िया गाना बजाना जानता है, सुनाता है, बढ़िया चौपाई सौराई सब दुनिया भर लफड़ा, लेकिन जो है उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे वो काम केवल उसका धंधा हो जाता है, उसको आत्मा का लाभ नहीं हो सकता इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। कहने मतलब इन चार चीजों से जो बचता है वह व्यक्ति आत्मज्ञान से आत्मा को लाभ करता है, नंबर एक दुष्चरित्र से, नंबर दो इंद्रियों का शमन करने से, तीन एकाग्र चित्त वाला होने से, और बाह्य सकल व्यवहार को मिथ्या समझकर त्यागने से। ये चार एक रास्ता है, कोई पांचवा नहीं है। भाष्य दुश्चरिता प्रतिषिद्धात्, प्रतिषिद्ध का मतलब श्रुति स्मृति अविहिता, केवल प्रसिद्ध ही नहीं लेना बल्कि श्रुति स्मृतियों से अविहित को भी ले लेना, श्रुति स्मृति में अविहित कर्म और श्रुति स्मृति जो प्रतिषिद्ध कर्म है वे सारे के सारे कर्म क्या है, पाप कर्मण हो, वे सब पाप रूप है कर्म। नखलु सर्वम शक्यम निषेधुम इत्याशय, सात चीजों का निषेध हो नहीं सकता, कितने को श्रुति स्मृति गिनाएगी, ये मत करो वो मत करो वो मत करो वो मत करो, कितना गिनाएगी? इसलिए कह दिया जो जितना प्रतिषेध साक्षात उतना तो है ही है, उनको करना नहीं है आपने, और जिनका विधान नहीं किया वो भी सब प्रतिषिध ही समझ लेना उनको भी, भले ही उस जमाने, आजकल लोग कहते हैं उस जमाने तो टीवी तो था नहीं, श्रुति में तो नहीं कहा टीवी नहीं देखना चाहिए, तो आप क्यों बोल रहे हो मना कर दे, हो श्रुति में लिखा है क्या, उपनिषद में तो नहीं लिखा कहीं कि टीवी नहीं देखना? अरे भाई जो नहीं लिखा है तो इसी के लिए टिप्पणकार ने कहा किनको किनको निषेध कर दे, कलयुग में और आगे पता नहीं क्या क्या और पैदा होने वाला है, क्या क्या को निषेध करेगी श्रुति,
इसलिए जो अविहित है देखो करके विधान भी तो नहीं है ना, उस आदमी को यही तर्क देना पड़ता है। श्रुति ने विधान किया क्या तुमको टीवी देखना चाहिए करके? विधि भी नहीं है, फिर इसका मतलब क्या? जिसका विधान नहीं है वो निश्चय समझ लेना चाहिए, इसे उसका भी पालन नहीं करना। इसे प्रतिषिद्ध और अविहित, क्योंकि जितने अविहित है वो सब प्रतिषिद्ध कोटि में ही गिन ले करना, और सब पाप कर्म ही है समझना चाहिए। इसे श्रुति स्मृति अविहिता पाप कर्मणो अविरतो मैंने अनुप्रदा, उनसे अभी तक जो शांत नहीं हुआ मैंने दुष्चरित्र का मतलब पाप कर्म करना से अभी हटा नहीं है, अभी पाप कर्म करने में लगा हुआ है। श्रुति स्मृतियों में जो अविहित कर्म को भी करने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति भले इधर ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर ले, वेदांत सुन लेगा, तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं। जो व्यक्ति झूठ छल कपट यम नियम कोई पालन नहीं है अभी तक, तो आगे कहां योग सिद्ध होने वाला है? सबसे पहले क्या है? अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, सबसे मूल बता में बता दिया अहिंसा सत्य। जब अहिंसा नाम की चीज ही नहीं है, खाया हुआ चमनसा दूसरे को हिंसा देने में लगे हो, जवान पे सत्य नहीं हर बात झूठ छल कपट, क्या वेदांत सुन के होगा ऐसे आदमी से? भले नोट्स बना लो रट लो, हाँ जाके कहीं और एक कोर्स कंडक्ट करेगा, पैसा कमाएगा और क्या करेगा आदमी? वो आदमी जो पैसों का भूखा है पैसों का पीछे है, वो तो उसको भी पैसे कमाने में ही उपयोग करेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो कि वो व्यक्ति जो है अगर जो इस तरह से शास्त्र अविद कर्मों को करने से उपरांग को प्राप्त नहीं हुआ है उसके द्वारा आत्मा लाभ नहीं हो सकता, ना भी इंद्रिय लौल्य अशांत अनुप्रथा। अनुप्र अशांत का मतलब कि इंद्रियों की जो लौल्य, इंद्रियों की जो चंचलता है, विषयों के प्रति दौड़ है, उससे जो अभी तक शांत नहीं हुआ, विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ है, वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को लाभ नहीं कर सकता। नाप्य समाहित हो अनेकाग्र मना विक्षिप्त चित्ता, यहां थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। अनेकाग्र मना अनेकेशु अग्रह, ऐसा समास नहीं करना, अनेकों में जो बहुत आगे बुद्धिमान, ऐसा अर्थ नहीं करना। न एकाग्र थी अनेकाग्र, यहां समास है न एकाग्र थी अनेकाग्र, जो एकाग्र भूमि वाला नहीं है। मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, इन पंच भूमियों में से जो एकाग्र भूमि वाला नहीं है उसको भी ब्रह्म ज्ञान आत्मा अनुभव नहीं करा सकता। अर्थात इसे स्पष्ट कर दिया, कहीं आप गलत समास न करें, तो भाष्यकार क्या लिखते हैं? विक्षिप्त चित्त, जो एकाग्र मन वाला नहीं है का मतलब क्या? निरुद्ध मन वाला कहां से हो सकता है? जो अभी दसवीं पास नहीं है वो डिग्री पास कैसे कर लेगा? अरे दसवीं फेल है का पास नहीं है, इसका मतलब अभी आठवीं पास होगा, वो नीचे कहीं मानना पड़ेगा ना उसको। तो एकाग्र मन नहीं है का मतलब ये मत सोच रहे एकाग्र निरुद्ध है, अरे और हायर क्लास का कहां से चला गया वो, उसे लोअर क्लास का ही समझना। इसे कहते विक्षिप्त चित्त वाला, यही अर्थ इसका हो सकता है, और आगे नहीं बढ़ाना उस चीज में। इसे जान करके आप अनेकेश अग्र सब तत्पुरुष समास न करें, किंतु न एकाग्र थी अनेकाग्र ऐसा नैत्र समास करनी चाहिए। यह ज्ञापन के भाषकर ने व्याख्या में विक्षिप्त चित्त कह दिया, असमय तक व्याख्या अनेकाग्र मना उसी व्याख्या विक्षिप्त चित्त विहितम अपि शेनादि अग्राह्य इति आशयमाना पाप कर्मण ही। कोई कह सकता है श्रुति विहित कर्म में कर रहा हूं लेकिन शेनिया कर रहे तो भी पाप कर्म है, इसलिए तो क्या क्या अर्थ संग्रह में मीमा धर्म का लक्षण में वेद प्रतिपादित प्रयोजन अर्थो धर्म में अर्थ शब्द क्यों दिया? शेनादि अभिचार याग श्रुति विहित बने ही है लेकिन वो भी पाप ही है, उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए अर्थवान शब्द दिया था ना, इसलिए भाष्यकार ने पाप कर्म को अलग गिनती किया। श्रुति स्मृति अभिहितात् प्रतिषिद्धात् और पाप कर्म न भी, वीत होते हुए भी जो पापात्मक है, वीत में भी पाप कर्म है, जितने भी सकाम कर्म है सब एक तरह से पाप कर्म ही है, तो कामना के कारण तुम बंधन में पड़े रह जाओगे, वही पाप ही हुआ एक तरह से। जितने भी कर्म वो बंधन में डालने वाला है वो सब पाप कर्म कोटि में मोक्ष के दृष्टिकोण में लेना चाहिए। समाहित चित्तोपि सन, समाहित चित्त होने पर भी समाधान फलार्थित्वात् नापि अशांत मानस,
यदि कोई कहे महाराज वो तो दुश्चरित्र नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं करता, इंद्रियां पूरा नियंत्रण में है, आ गया है ना, ये तो विज्ञानवान सारथी इत्यादि सारे घोड़े कंट्रोल में रखा हुआ है इंद्रियों को, न समाहित भी नहीं, समाहित भी है, एकाग्रचित वाला है, तो भी लेकिन सिद्धियों की भूख है तो बेकार है वो एकाग्रचितता भी, सिद्धियां चाह रहा है ना। समाहित का फल क्या है? रिद्धि सिद्धि, उसको चाह रहा है तो फिर वो तो मोक्ष वहां से मिलेगा उसको। इसे कहते हैं समाहित होने पर भी यदि समाधान का जो फल है क्या रिद्धि सिद्धियां उनकी अर्थित्व यदि रहेगा तो ऐसा भी तुम क्या मानते हैं अशांत मानस हो कह दिया फलार्थित्व ना, इसलिए फलार्थी होने के कारण से उसको निवारण करने के लिए नाप्य अशांत मानस हो ये शब्द उड़ी आया ना अशांत मानस हो। नीचे दे रहे देखो समाज ने फलाई थी, समाधान फल क्या है ख्याति सिद्धि आदि रूपम समाधान फलम, ख्याति सिद्धि इत्यादि है मेरे दुनिया में बहुत नाम होना चाहिए ये ख्याति है। ये तो कहा रजनीश ने दिमाग में आया जब बहुत उसके एकाग्रचित हो गया वहां लाइब्रेरी में बड़ा समाधि जैसे हो गया तो उसने सोचा भाई हू कैन क्रुक मुझे दुनिया में नाम कमाना है, कैसे नाम कमाया जा सकता है, विचार कर रहा नाम कमाना है जैसे तैसे, अरे बड़े बड़े डकैत भी नाम कमा लिया, रावण भी नाम कमा लिया, हम ऐसे रह गए क्या फायदा, हमें भी नाम कमाना चाहिए दुनिया में, दुनिया का नंबर वन होना है, कैसे होगा। उस समय का उसने सारा वातावरण विश्व का अध्ययन किया, फिर विश्व में इस समय जो चल रहा है तो गुरुओं की बाजार बड़ी तगड़ी है, नंबर वन विश्व का आसानी से गुरु बन सकता है, मुझे भी गुरु बनना पड़ेगा। और गुरु बनने से भी केवल वेदांत सुना रहे तो बनते नहीं, बहुत सारे वेदांत सुना रहे कहां बन रहे नंबर वन, तो उसने देखा वेदांत योग सारा खिचड़ी करना पड़ेगा, सारा खिचड़ी करके ऐसे करना पड़ेगा जैसे विदेशी लाखों लोग मेरा चले बन जाए, तो विदेशी कैसे बनेंगे, तो उसने विचार किया इनको ये कहना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मचर्य बोलेंगे तो बिगड़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य सुन के भाग जाते हैं लोग, ये तो भोगी लोग हैं ना, इनको कह एक ही रास्ता इनको संभोग से समाधि घोषणा कर दो सारा विश्व तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। उसके दिमाग में आ गया बस, उसने घोषणा कर दिया, पुस्तक लिख दिया पहले सबसे पहले संभोग से समाधि, सारा विदेशी लोग वाह ये बढ़िया आदमी है, सेक्स टू समाधि, सेक्स से समाधि लग सकती है कह दिया, इसे बढ़िया और क्या होगा, ऐसा गुरु मिल ही नहीं सकता दुनिया में, सारा विदेशी आगे चलो इसी का चेहरा बनते कैसे होगा, लाओ डॉलर लाओ बोलते खूब लिया डॉलर, खूब नंगा नचाया, खूब भोग कराया, खूब करो इसे समाधि होगी, थी साहब को बर्बाद कर दिया लेकिन दुनिया में नंबर वन हो ही गया, दूसरों को बर्बाद करके स्वयं आबाद हो गया। तो तरीका आदमी का अपनी अपनी है, किसी तरह से बनना है, कैसे बने हम, ऐसे रविशंकर महाराज है, यशवान जी ने एक पुस्तक लिखा था उसका नाम था आर्ट ऑफ लिविंग, उसका नाम था पुस्तक का नाम आर्ट ऑफ लिविंग। अरे ऋषिकेश में महेश जी जब रहते थे गंगा पार में वहाँ ये उनकी लंगोटी धोता था, सेवक था, पढ़ा होगा वो पुस्तक, उसके दिमाग में ये नाम बहुत बढ़िया है आर्ट ऑफ लिविंग, इसी नाम से हम अपना कुछ चक्कर चलाते हैं दुनिया में तो हम नंबर एक हो जाएंगे, हो गए नया नाम दे दिया सुदर्शन क्रिया, क्या नाम रखे सुदर्शन क्रिया, क्या है उसमें नाचो कूदो प्राणायाम वगैरह कुछ मिलना दिया सर, कीर्तन भजन सब जोड़ जाड़ करके सर सुदर्शन क्रिया में कराता हूँ आ जाओ मेरे पास। अब लोग जो है आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया के चक्कर में आज 150 देशों में जो उसका झंडा फहरा रहा है, अब आप लोग भी कोई नया नाम दे देना चालू कर देना, अब सुदर्शन क्रिया का नहीं त्रिशूल क्रिया नया निकालो, अरे तू तो विष्णु का सुदर्शन पकड़ा है मैं तो शिव जी का त्रिशूल पकड़ूंगा, त्रिशूल क्रिया नाम से शुरू कर दो नया चीज, कोई तीन चीज मिला देना सारे संबोधि समाधि मिला देना योग भी मिला देना वेदांति त्रिशूल हो गया, लटका दो सारे त्रिशूल में सारे दुनिया को त्रिशूल से लटका देना, कोई तो नया करनी पड़ेगी दुकानदारी करना है। तो व्याप्रति चित्त ऐसा लोग जो होते हैं उनको प्रज्ञान है ना ब्रह्म विज्ञान है ना, अगर प्रज्ञान है ना मैंने ब्रह्म विज्ञान के द्वारा एनम प्रकृतम आत्मानम न आप्यात, एनम प्रकृतम जो आत्मानम जितने भी न है ना सारे न को आप्यात के साथ अन्वय होगा,
एनम आत्मानम नाप्नुयात् ब्रह्मज्ञानेना। इस क्रियापद और सारे के तृतीयांत द्वितीयांत और क्रिया इनके साथ उन सबको जोड़ देना पड़ता है। यस्तु, और फिर कौन पाएगा? यस्तु, जो व्यक्ति दुश्चरितात् विरता, दुश्चरित से विरत है, इंद्रिय लौल्याच्च, इंद्रिय लौल्याच्च विरतः, और इंद्रिय लौल्य से विरत है, समाहित चित्त है, समाधान का फल से भी उपरक्त है, विरक्त है, अपि उपशांत मानस, समाधान का फल जो ख्याति सिद्धि वगैरह उनसे भी उपशांत मन वाला है, आचार्यवान पुरुष है। किसी सदाचार्य जो अद्वैत के निरंतर चिंतन करता, अनुसंधान करते और रहने वाला जो आचार्यवान पुरुष वाला शिष्य होगा मोक्ष के द्वारा प्रज्ञानेन, वही व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः, यथोक्त आत्मा को प्राप्त करता है, उसके अलावा दूसरा नहीं करता है, यह इसका अर्थ। यथा निर्दिष्ट साधन ही प्रज्ञानं लब्ध्वा इत्यर्थः, जो निर्दिष्ट और भी साधन पहले वर्णन किए गए हैं उन साधनों के द्वारा जो है यह प्रज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान को वह प्राप्त करेगा, उसके माध्यम से आत्मा को वह अनुभव कर लेता है, यह इसका अर्थ है। यस्तु अनेव भूतो यस्य आत्मनो ब्रह्म च, और जिस प्रकार का नहीं है, अनेव भूत दुश्चरिता दुश्चरित अविरतादि रूप, जो इस प्रकार का नहीं है, अर्थात क्या, जिसके विपरीत है, जो पूर्व विपरीत का विपरीत, विपरीत को ले ली, यस्तु का भाषकर क्या किया, दुश्चरित नहीं है, अशांत नहीं है, असमाहित नहीं है, अशांत मन वाला नहीं है, ऐसा ले चुके हैं, उसका विपरीत क्या होगा, नहीं जो अत्यंत दुश्चरित है, जो अत्यंत अशांत इंद्रियों वाला है, अत्यंत असमाहित है, जो अत्यंत अशांत मन वाला है, वह व्यक्ति कायता वेद यत्र सह, उस आत्मा को कैसे जान सकता है, नहीं जान सकता, कैसे वो आत्मा, और एक बार फल बताते हैं, इस वल्ली का अंतिम मंत्र है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवद ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कायता वेद यत्र सह, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च, जिस आत्मा का यह ब्राह्मण और क्षत्रिय भी क्या है, भात के समान है, कभी उभे ओदना भवतः, दोनों के दोनों भात के समान भात है, मानो ब्रह्मरूपी थाली है, ब्रह्मरूपी थाली, उस थाली में यह ब्राह्मण और क्षत्र रूपी क्या चीज है, भात है। मृत्युर्यस्य उपसेचनम्, और मृत्यु जिस ब्रह्मरूपी थाली में क्या है, उपसेचन, सब्जी दाल चटनी के समान है, मृत्यु भी ऐसा उपरम है, कोई था वेद्र सह, जहां ऐसी बात हो ऐसे उस आत्मा को कौन आदमी जान सकेगा, किस प्रकार जान सकता है, मैं नहीं जान सकता, ऐसा दुश्चरिता वाला है वो नहीं जान सकता, ये इसका अर्थ है। यत्र स आत्मा, जहां ऐसी आत्मा का स्वरूप होगा उस आत्म स्वरूप को कौन जान सकेगा, मैंने किस प्रकार जान सकता है, किसी इस प्रकार से, उस प्रकार से, ऐसा है वैसा है, इस प्रकार से, किसी प्रकार से भी वह नहीं जान सकता, यह इसका अर्थ।